हमारे पास तो मतलब फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भूखे भूखे मर रहे हैं। अभी भंडारा बना, देखो अभी चार रोटी लेके आ रहे, तो पोता है उसको मिलाऊंगी जाके। बहुत परेशान हम तो, लाइन में लग जाते, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता हमें, तो भीड़ इतनी होती है। कौन सी दाल है? ये दाल चावल मिलते सुकून में। फिर शाम को लाइन लग जाएगी, तो फिर शाम को ऐसे ही लाइन में लग के नहीं है, तो घर में चूल्हा सिगल ही नहीं रहा, वैसे नहीं है। आज हम पश्चिम दिल्ली के औद्योगिक इलाका है नंगलोई, वहाँ पे आए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं राशन के लिए। औरत मर्द दोनों बहुत सारी संख्या में फैक्ट्री में काम करते हैं। ये बड़ी मात्रा में, जिसको MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके जो कहीं 5 मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, चप्पल बना रहे हैं, हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन छोटे छोटे कारखानों में ज़्यादातर सामान वहीं बनता है। चप्पल के कारखाने, चप्पल के कारखाने हैं, मजदूरी करते हैं कारखाने में, मजदूरी क्या काम करते हैं? चप्पल काटता हूँ। चप्पल की दुकान में, फैक्ट्री में क्या? नहीं, कटाई करता हूँ। मील होती है ना धागे की, कपड़े सीने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पैक करते हैं डब्बों के अंदर। हम ना चप्पल का काम करते हैं, 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं हमें महीना पे। क्या काम होता है इसमें? चप्पलों का, जैसे धागा काटना, काटा पीटी का, कंप्यूटर। फैक्ट्री में या घर में बैठ के? फैक्ट्री में जाते हैं जी। जूते लाइन में हेल्परी कर रहा था जी, कंपनी तो सारा बंद हो चुका है जी। जूते लाइन में आपका क्या काम है? हाँ जी, जूते लाइन में क्या काम है? धागा काटता हूँ जी। सर जूता लाइन में सिलाई करता हूँ। फैक्ट्री में है? फैक्ट्री में। तो कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये? ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-20 आदमी काम। इतने परेशान हो रहे हम तो, काली चाय पीते हैं तो दूध को कैसे नहीं बिल्कुल। इतने परेशान होते, मकान का किराया जोड़ जोड़ के देना पड़ता है। कितना किराया था? 3,000-3,400। कैसे दिया? थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के देना पड़ता, क्या करें, बच्चों को देखना पड़ता। लेकिन कमाई कोई नहीं हो रही, और कैसे गुजारा करें? यही उधार लेके, या जो था घर में वही खाकर। थोड़े चावल पड़े थे वो खा देंगे जी घर में। बहुत दिक्कत चल रहा है जी, एक टाइम खाता हूँ एक टाइम नहीं खाता हूँ जी। खाना का कैसे कर रहे हैं आप? अब बच्चे लोग के लिए तो कभी कोई देने से या लाइन में लगने से मिल जाता है खाना जी, और कभी पुलिस वाले ने बोला कभी खाना नहीं है जी, ये बात है जी। लॉकडाउन हुआ? हाँ जी। तो कितना पैसा उन्होंने दिया आपको, मालिक ने? मैंने, मालिक ने दिया था 1,000 रुपया दिया था जी, बस 1,000। 1,000 दिया था। और उसके बाद? उसके बाद अभी तक कुछ नहीं मिला जी। अभी मालिक से बात हुआ कि काम धंधा चलेगा, पीछे के भी पैसे नहीं आ रहा है, तो फिर पैसे हम कहाँ से देंगे, जब पैसे होगा तो फिर हम दे देंगे। सरकार हालांकि घोषणा उन्होंने की है कि हम अपेक्षा करते हैं और कि जो उनके जो मालिक हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको तनख्वाह देते रहें। ये भी बात सही है कि जो MSME के जो मालिक हैं कोई बहुत ज़्यादा मालदार लोग नहीं हैं, उनमें वो सक्षम भी नहीं हैं कि अगर वो चाहें भी कि वो महीनों महीनों बिना काम के उनको मजदूरी दे सकें। मेरा ये मानना है कि हर तरह से ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। कई शोध ने ये दिखाया है कि जो असंगठित मजदूरों में से सिर्फ 17% ऐसे मजदूर हैं जिनका कोई मालिक पहचाना भी जा सकता है, बाकी जो 83% जो असंगठित मजदूर श्रेणी में आते हैं ऐसे श्रमिक हैं जिनके मालिक की पहचान ही नहीं हो सकती। एक ये कारण हो सकता है कि वो कैजुअल वर्कर हैं, रोज़ नए किस्म के काम लेबर अड्डे में बैठ के ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बड़ी संख्या में हैं जो खुद अपना काम करते हैं, पंक्चर बनाते हैं, रेड़ी चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, कचरा बिनते हैं, सेक्स वर्क में शामिल हैं, भिक्षा भी मांगते हैं। ये अनदेखा किया जा रहा है कि 83% तो ऐसे मजदूर हैं जिनका कोई मालिक का
पहचान भी नहीं किया जा सकता, जो कोई है ही नहीं उनका जो मालिक। और जो 17% है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में काम करते हैं, जिनकी क्षमता नहीं है कि वो उनको वेतन दे सके।